सब्जी मार्केट से आजकल सब्जियों का रेट सुनते ही ग्राहकों की चीख निकल जाती है और कहते हैं बाप रे बाप इतनी महंगाई। महंगाई के मार से हर कोई परेशान है, लेकिन इन दिनों जिस तरह सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, इससे गरीब की थाली से प्याज व हरी सब्जियां गायब सी हो गई है। वहीं इस बढ़ोतरी से घरों का बजट भी बिगड़ता चला जा रहा है। पहले लोग प्याज और आलू के सहारे रहते थे, लेकिन अब प्याज इतनी बेवफा हो गई है जिससे मध्यम और गरीब परिवार की थाली से सब्जी लगभग गायब सी हो गई है। आमतौर पर प्याज व हरी सब्जी पहले 25 से 35 रुपए किलो में मिल जाती थी, लेकिन वहीं अब 50 से 100 रुपए के नीचे नहीं मिल रही है। वहीं अब लोग किलो की जगह पाव से ही संतुष्ट हैं। 30 से 35 रुपए किलो में मिलने वाली प्याज अब 80 रुपए किलो में बिक रही है। कल तक एक एक किलो प्याज खरीदने वाले अब पाव से ही संतुष्ट हैं। बाजारों में कम हो रही है खरीदारी। जी हाँ, महंगाई ने रसोई में आग लगाई है। वहीं अधिकांश लोग सब्जियों के दाम पूछ कर ही खुद का मन बहला लेते हैं। सब्जियों में बढ़ती महंगाई के कारण अब बाजारों में लोगों की भीड़ कम हो गई है। जहाँ आधा किलो वहाँ पावर आप दीजिए, पावर में इस्तेमाल करेंगे। क्या रेट चल रहा है प्याज का और टमाटर का? टमाटर 60 रुपए चल रहा है, प्याज 70 रुपए किलो चल रहा है। जैसे जो 200 रुपया कमाने वाला इंसान है, वो एक किलो प्याज अपने आप में कैसे खरीदे? वो खरीद ही नहीं पाएगा, तो कोई समझे उसका परिवार चलाना है, वो कहेगा पावर देंगे भाई 200 रुपये में, उसको सब गुजारा पूरा करना है ना, बच्चों फीस आटा लो इन सब दुनिया का उसका गुजारा करना है। ग्राहक है तमाम टाइप के आते होंगे, तो क्या किसी टाइप का ग्राहक ऐसा हो कि कैसा हो कि आप ही लोगों ने महंगा कर रखा है? नहीं नहीं, आदमी इस समय को जानना है कि बाहर जहाँ से प्याज आ रही है वहाँ पे बारिश हुआ है, उसके उस मारे हम लोग को कुछ कहता तो है ही, ग्राहक का थोड़ा बहुत तो कहेगा ही है कि आप महंगा लगाए हैं, ये तो ग्राहक का कहना है। तो जिसको एक किलो लेना हो तो पावर लेता है थोड़ा बहुत, तो कुछ रिएक्शन देता है कि इतना महंगा कर दिया या अब जो तो कहता तो भाई हम तो कहते हैं कि ये यहाँ कहते तो गंदा लुआ जाता है, जाओ जाओ हम मंडी के अंदर खाओ तो महंगा करते थे तो नहीं करते नहीं। भाई जब जहाँ से माल आता है वहाँ पे माल है नहीं तो महंगा तो हो जाएगा। अच्छा, इस समय प्याज कितना रुपये किलो? 70 रुपए किलो, 80 रुपए। टमाटर मंडी में 360 रुपये खरीद लिए प्याज। अच्छा अच्छा, 360 रुपये और किलो, दो किलो तो धागी निकल जाती, दो किलो प्याज। पहले की बिक्री में और आज के बिक्री में कोई फर्क? फर्क तो कुछ नहीं, पहले बिक्री थी आज भाई जो एक किलो लेता है तो आधा किलो लेता है, जो आधा किलो लेता है पावन लेता है। नहीं, जो गरीब आदमी है जिसकी 200 पे दिहाड़ी करता है वो कैसे क्या करता है? यहाँ कहो 10 रुपए ले लेता प्याज, 20 रुपए ले लेता प्याज, 200 दिहाड़ी सारे लोग कहाँ खर्चा चल जाता है, 200 रुपये दिहाड़ी कहाँ आजकल 4 रुपये दिहाड़ी चलते जाते। 400 में उसकी फैमिली है वो है तो भारत सरकार फैलने वाले यहाँ कहाँ तो बाहर के आदमी रहते हैं, मजदूरी करते हैं, वो तो अकेले रहते हैं, काम करे फुटबाई पर खोए गए, ईटा जोड़ के खाना बना लिए, रोटी बना ली। आजकल के दिन में तो बड़ा मुश्किल है वैसे, और आदमी तो या तो प्याज खाना भूल जाए, जो आदत में है प्याज खाने की उनके तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब उनके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो जितना वो प्याज लेना चाह रहे थे उससे कम क्वांटिटी में प्याज दे रहे हैं, और जहाँ तक पूरे मंडी का या वेजिटेबल्स का सवाल है, इसमें हर चीज़ों की कीमत बढ़ रही है और सरकार को इसमें मतलब किसी जगह ध्यान ना बांट के किसी जगह ध्यान बांटना चाहिए, जो आम जनता के लिए जरूरत चीज़ें हैं जैसे वेजिटेबल्स हैं ये सब चीज़ें कम दाम से उचित दाम पर। आम आदमी तो आत्महत्या कर लेगा इतना महंगा प्याज तो पूछिए मसाला, पहले 30 रुपये किलो रहा तो चला 80 रुपये किलो प्याज चल रहा, हर चीज़ तो महंगा है। हम लोग तो दुकान लगा रहे हैं ठेले वाले हैं, लेकिन हम लोग ठेले वाले परेशान हो रहे क्या महंगाई कैसे आगे, और चश्मा रहता चिकन मसाला क्वालिटी से एक और, लेकिन यहाँ रेट इतना हाई हुआ जा रहा है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। क्या ये है जल मोदी जी का जज्बा? जैसे ये हो गया सरकार कुछ नहीं महंगाई कम कर दी, ये यही ना प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है आम आदमी को नहीं कुछ कर पा रहा है। आम आदमी सरकार से क्या सहायता चाहता है? क्या महंगाई कम करे, गरीब आदमी तो खा सकता है जो रोटी, लेबर आदमी आएगा बिना प्याज की कोई सब्जी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, हर चीज़ तो महंगी है, प्याज अलग महंगा, टमाटर अलग महंगा, हर सब्जी महंगी है।
अगर 100 रुपए लेके चलो तो 100 रुपए में तो खाली 1 किलो प्याज हो जाएगा। ये है प्याज भैया, पहली बात तो प्याज ही नहीं है, प्याज सब भैया सड़ ये प्याज हो गए महंगी, तो आदमी 1 किलो की जगह आधा किलो लेता है, आधा किलो की जगह पाव बन लेता है, भाई दे काम चला रहे हैं। नहीं तो क्या रिएक्शन देता है, कुछ कहता है महंगाई को लेके? महंगाई के लिए तो बहुत कुछ कहता है भैया, क्या क्या बताए, कुछ लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं, कुछ लोग अपनी तरफ से लगा महंगी कर रहा है। मंडी जाओ तो पता चले वहाँ आटे चावल का भाव, हम लोग 1 कट्टा लाते तो 50 कट्टा लाते उनको। और टमाटर क्या रेट? टमाटर 50 रुपए। वहीं एक और भरपूर खरीदार ना मिलने के कारण सब्जी व्यापारी की सब्जियां भी पड़े पड़े खराब हो जा रही हैं। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार को अपनी सल्तनत संभालने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं दिख रहा है, ना ही गरीब की तरफ उनकी नजरें पड़ रही हैं। आखिर ऐसी सरकार का क्या मतलब? ब्यूरो रिपोर्ट, ABN समाचार।